फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज मैं फिर से ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखिए, आज भी स्टॉक 7.45 पर गिरा है और लगभग सर्किट पे 4.97 की इसे लोअर सर्किट लगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। थोड़ा अगर नीचे आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इनके प्रोडक्ट्स इंडिया में ही नहीं लगभग बाहर भी आउटसोर्स हो रहे हैं, तो इनका नज़रिया भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, जो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करने वाले हैं और डायरेक्ट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और ऑनलाइन भी ये बेचने वाले हैं और अलग अलग ऊर्जा केंद्र भी बनाने वाले हैं। तो अभी मार्केट इतना करेक्ट हुआ है तो उसी के वजह से इस पर थोड़ा प्रेशर आया है, लेकिन जब फिर से इसका जो अपर सर्किट चालू होगा और अप ट्रेंड चालू होगा तो ये आराम से जो हाई बनाया है उसे भी क्रॉस कर सकता है। इसमें वॉल्यूम्स भी लगभग 8 से 9 लाख तक वॉल्यूम्स आ रहे हैं और इसका जो हाई है 10.40 NSE पे है, 11.43 का BSE पर है और लो तो 1 रुपये के करीब ही है। मीन्स इतना बड़ा है तो कुछ करेक्शन तो आना ही था, और जिसने लो रेट पे रखा है वो 50% प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे। ये भी मैंने काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ और लो रेट पे फिर से ख़रीद सकते हैं। अगर और करेक्शन आता है तो ये लगभग 6 रुपये तक आ सकता है, उसके बाद अगर नहीं आता है करेक्शन तो ये फिर से अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। इसका मैं चार्ट दिखा लेता हूँ आपको, ये देखिए 6 महीने का चार्ट दिखा लेता हूँ। ये जिस तरीके से बड़ा है, इतना बढ़ के थोड़ा इधर करेक्ट हुआ था 5 रुपये के नीचे, फिर वो कंटिन्यूस रॉकेट की तरह बड़ा है। तो उसी हिसाब से जब मार्केट गिरता है तो छोटी कंपनी में सबसे ज़्यादा सेलिंग आती है और ये ज़्यादा गिरती है, लेकिन अभी मार्केट फिर स्टेबल हुआ है। वापस आज कवर हो गया था, कल भी कवर हो गया था, तो ये लेकिन गिरा है तो ये भी शायद कवर हो जाएगा। और जब ऊपर का चालू होगा ट्रेंड तो 10 रुपये तो फिर से दिखाई देगा इजीली, और काफ़ी सेलर्स देखने मिल रहे थे इसमें। अगर बायर्स फिर से एंट्री मारते हैं तो ये स्टॉक कंटिन्यूस अपर सर्किट भी मार सकता है। इसका मार्केट कैप है 375 का, EPS 0.02 की है, प्राइस टू बुक 3.07 का है, बुक वैल्यू 2.41 का है, डिविडेंड अभी तक दिया नहीं है और फेस वैल्यू 1 का है। हाल ही में ऊर्जा ग्लोबल ने पैसे जुटाने के लिए प्रेफरेंशियल शेयर्स जो है उसका इशू भी इन्होंने EGM में किया है, और जो ग्रीन बॉन्ड्स भी उसके थ्रू ये काफ़ी पैसे जुटाने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए, ये जब पैसा आएगा इनके पास, काफ़ी सारा पैसा आ जाएगा, उसके बाद इनकी ग्रोथ जो रहेगी और स्ट्रेटजी जो रहेगी वो ग्रोथ की ही रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फटाफट सेल कैसे किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा ग्लोबल के केंद्र खोला जाए और कैसे ऑनलाइन सेल करें और कैसे कंपनी के टेंडर्स ये ले लें और काफ़ी जगह डेवलपमेंट करें, उसी पर इनका फोकस होने वाला है। और इन कंपनी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के अभी भी इसके पास है और आने वाले समय में ये स्टॉक और बढ़ सकता है। थर्मल प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है और भी सोलर प्रोजेक्ट्स है, तो काम तो चल ही रहा है, प्रॉफिट भी होगा ही, और गवर्नमेंट का भी सोलर के ऊपर काफ़ी फोकस है और आने वाले समय में सोलर के मीन्स फोकस सबसे ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आने वाली है और आने वाले दौर में फिर सोलर बैटरी भी ज़रूर काम में आने वाली है और इनका डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसी कंपनी भले काफ़ी हो लेकिन लिस्टेड कंपनी है ये, तो इसे ही ज़्यादा मीन्स फ़र्क गिरेगा और इसे ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और ये देखिए इनके लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इनका मार्केट है और यूरोप में भी है और इंडिया में भी है, और अभी भी लोगों ने 70% बाय की रेटिंग दे रखी है और अभी भी
ये देखिए 16 और 25 का एक जन ने टारगेट दे रखा है, लेकिन जब ये रिवर्स हो जाएगा उसी के बाद, और जो डाउन ट्रेंड है वो डेली तो रहने वाला नहीं है, 2-4 दिन एक हफ्ता रहेगा, लेकिन जब अप ट्रेंड चालू होगा वो भी कंटिन्यूस ही रहेगा। तो अगर आपने हाई रेट पे ले रखे हैं तो आप प्लीज़ होल्ड करिए, और आपका रेट आता है तो कम से कम 50% बुक कर लीजिए ताकि लो रेट पे आप ले सकते हैं फिर से। और ये इतने हाई रेट पे आपने लिया है इसीलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन जब ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है तो लो रेट पे आप थोड़ा ले सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया वो ले सकते हैं। लेकिन इसका खाली ट्रेंड आप देख लीजिए पहले, और मार्केट का ट्रेंड उसी के बाद आप एंट्री करिए, और अपर ट्रेंड आ गया उसी के बाद आप लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू फिर वो 4-5 दिन अपर ट्रेंड ही रहेगा उसका। तो मार्केट को नज़र में रखते हुए ही इस स्टॉक को लीजिए आप, जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स हैं। लेकिन ये आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है, और काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए आप होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में ये आराम से 20 रुपये भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी ऊर्जा ग्लोबल में, मैं सबसे पहले इस पर ही वीडियो बनाऊंगा और आपको खबर देते रहूंगा। चलिए, थैंक यू।